हेलो फ्रेंड्स वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल आज हम लोग स्टडी करेंगे कि एल एस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें हाईएस्ट पावर दी हो किसी भी नंबर पे ठीक है अगर कोई भी नंबर है उसकी पावर बहुत हाई है और तब हम अगर हमें एल्सीय ऐसी निकालना है तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं सबसे पहले तो आप इसका एक uh, सिंपल सा फॉर्मूला ही देख लीजिए कि सपोज़ कीजिए कोई भी नंबर है आपका एक्स की पावर एन प्लस ए की पावर एन ठीक है कोई भी नंबर है एक्स की पावर एन और ए की पावर एन इसमें हमें अगर निकालना है कि आपका एल्सियम क्या है तो आपका इसका हमें कॉमन फैक्टर निकालना होगा बेसिकली क्या कॉमन फैक्टर आपका रहता है तो प्लस में है तो आपका होगा इसका एक्स प्लस ए इफ एन इज इक्वल टू ऑड अगर पावर आपकी ऑड है तो आपका हो गया एक्स प्लस ए पावर अगर आपकी इवन है तो यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं बनेगा इफ़ एन इज़ इक्वल टू इवन इज नो फैक्टर ठीक है अगर प्लस में अगर आपकी पावर ऑड है एंड तो, तो आपका फैक्टर बनेगा एक्स प्लस ए बट अगर पावर ई बने तो कोई फैक्टर ही नहीं बनेगा आपका सिंपल एक प्लस में ए ही फैक्टर बनेगा अब आते हैं माइनस पे तो आपका जो कॉमन फैक्टर रहेगा वो आपका रहेगा एक्स प्लस ए एंड एक्स माइनस ए इसमें आपके दो फैक्टर बनेंगे अगर आपका नंबर माइनस में है एक्स प्लस ए एंड एक्स माइनस ए ठीक है अगर आपका नंबर इफ इज़ इक्वल टू इवन और अगर आपका नंबर है ऑड तो आपका एक ही फैक्टर बनेगा ठीक है तो फिर आपका एक ही फैक्टर बनेगा x- माइनस ए अगर आपका n जो है वो ऑड है अगर आपका n इवन है तो आपके दो फैक्टर बनेंगे इस बात को आप याद रखिएगा जब माइनस में है तो आपके दो फैक्टर बनेंगे अगर इवन है और ऑड में एक फैक्टर बनेगा और जब प्लस में है तो ऑड में एक फैक्टर बनेगा इवन में कोई फैक्टर नहीं बनेगा इसको नोट डाउन कर लीजिए फिर इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं थ्री की पावर फिफ्टीन प्लस वन थ्री की पावर आपका थर्टी फाइव प्लस वन ठीक है ये है प्लस में है वन की पावर कितनी भी हम ले सकते हैं आपका वो वन ही रहेगा अब हम देखते हैं कि पंद्रह के क्या क्या हम कैस किस तरह से हम लोग कॉमन फैक्टर बना सकते हैं आप देखेंगे ये फाइव इंटू थ्री ये फाइव इंटू सेवन तो फाइव हमारा कॉमन फैक्टर आएगा, तो थ्री की पावर फाइव की पावर यहाँ पे हो गया थ्री प्लस वन की पावर आपका हो गया 5. वन की पावर आपका फाइव हो गया और यहाँ पे हो गया थ्री की पावर फाइव की पावर सेवन प्लस वन की पावर फाइव अब आपका ये इवन है तो आपका जो फैक्टर सॉरी ऑड नंबर है आप देखेंगे पावर आपकी ऑड है और नंबर आपका ये आपका प्लस में है तो आपका एक फैक्टर बनेगा विच इज़ थ्री की पावर फाइव प्लस वन ठीक है अब इसका एक तरीका और ये भी होता है अगर हम लोगों को हम लोग हम लोगों को कॉमन फैक्टर निकालना है राइट right? फैक्टर हम लोग इसमें निकालते हैं एस में तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एस भी निकाल सकते हैं एस सी एफ़ ऑफ फिफ्टीन एंड थर्टी फाइव अगर आप एस सी एफ़ निकालेंगे फिफ्टीन एंड थर्टी फाइव का तो वो भी आपका आएगा फाइव क्योंकि कॉमन फैक्टर इसमें फाइव ही आएगा आपका हाइएस्ट कॉमन फैक्टर फाइव ही आएगा तो वो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं थ्री की पावर फाइव प्लस वन दैट इज ऑल्सो द वन वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन टू फाइंड आउट द एस सी एफ ऑफ द पावर एंड देन वी कैन फाइंड द आंसर इसको नोट डाउन कर लीजिए अगले हम देखते हैं फिर अब आपको अगर दिया हो ही पावर पी प्लस वन ए की पावर क्यू प्लस वन तो आपको क्या करना होगा इसमें ए की पावर एस सी एफ ऑफ पी एंड क्यू ठीक है आपको एस सी एफ पी एंड क्यू निकालना पड़ेगा प्लस वन वही चीज़ होगी जो मैंने बोला था आपको मैंने पहले भी कि आपको एस सी एफ निकालना है पावर का उसमें जो कॉमन फैक्टर आएगा वो आप लिख सकते हैं वही आपका इसमें आंसर हो गया इसमें नोट करने वाली चीज़ ये है कि पावर ऑफ पी एंड क्यू Power of P and Q should be Power of P and Q should be odd multiple of SCF P and Q. बेसिकली आपका जो पावर है वो जो है ऑड मल्टीपल होना चाहिए जो आपका एस आएगा उसका बेसिकली अब हम देखें पहले भी तो हमने जो आपका एस निकाला था वो फाइव आया था और फाइव आपका एक ऑड मल्टीपल था फिफ्टीन का भी थर्टी फाइव का भी राइट right? फाइव आपका मल्टीपल था फिफ्टीन का भी थर्टी फाइव का और एक ऑड मल्टीपल था तो यही चीज़ इसमें लिख रही है कि पावर ऑफ पी एंड क्यू शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ एस सी पी एंड क्यू ठीक है अब अगर हमें एलसीएम निकालना हो तो आपका एलसीएम होगा अगर आपको सपोज माइनस में दिया हो ए की पावर p माइनस वन ए की पावर q माइनस वन इसमें कोई आपका रूल नहीं है इसमें कोई आपका वो ही नहीं है कोई इसमें रूल्स रेगुलेशन ही नहीं है आपका सिंपल रहेगा अगर एलसीएम निकालना है हमें अगर आपके क्वेश्चन में माइनस वाली चीज़ है तो एलसीएम निकालना है हमें तो एलसीएम होगा आपका ए ही पावर एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू माइनस वन और एस सी एफ निकालना है हमें तो वही होगा एल एच सी एफ ऑफ पी एंड क्यू माइनस वन माइनस के लिए कोई रूल नहीं है जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वो सब प्लस के लिए हैं मतलब माइनस के लिए एस तो बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस नहीं हैं ठीक है अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं सपोज कीजिए टू की पावर फिफ्टीन प्लस वन एंड टू की पावर ट्वेंटी फाइव प्लस वन अब इसमें भी वही है अगर हमें आपका कॉमन फैक्टर निकालना है अगर हमें कॉमन फैक्टर्स का निकालना है तो वो आपका वही होगा कि हम लोग क्या करेंगे एस निकालेंगे फिफ्टीन एंड ट्वेंटी फाइव का यहाँ पे अगेन फाइव इंटू थ्री यहाँ पे अगेन फाइव इंटू फाइव कॉमन फैक्टर आपका फाइव ही आया तो आपका कॉमन फैक्टर हो जाएगा टू की पावर फाइव प्लस वन इसको अगर हम डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे टू की पावर फाइव इंटू ऊपर आ जाएगा आपका थ्री यहाँ पे फाइव इंटू फाइव तो यहाँ आपका कॉमन फैक्टर आ गया इसको भी नोट डाउन कर लीजिए और जैसे एक क्वेश्चन आपका मतलब आया है कई बार थ्री की पावर थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री थ्री की पावर थ्री की पावर थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी थ्री प्लस वन एंड थ्री की पावर थ्री की पावर थ्री थर्टी फोर प्लस वन इसका हमें निकालना है तो इसका वही है देखिए इसका तो कोई और फैक्टर बनेगा ही नहीं मतलब इसका हम ऐसे ही एज इट इज ही रहन देंगे प्लस वन और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं इसको थ्री इंटू थ्री की पावर थ्री की पावर थ्री थर्टी थ्री प्लस वन इस तरह से हम लोग लिख देंगे तो आपका जो कॉमन फैक्टर आएगा दोनों में वो आपका आएगा थ्री की पावर थ्री की पावर थ्री थर्टी थ्री ठीक है आपका यहाँ पे अगर हम देखें आपका तो आपका देखिए एक सेकेंड ये कन्फ्यूज़न हो जाएगा बेसिकली आपका यहाँ पे जो p है वो आपका है थ्री की पावर थ्री थर्टी थ्री एंड q आपका है थ्री की पावर थ्री थर्टी फोर हमारा पी और क्यू हमारा जो पावर है वो यही है तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग इसके फैक्टर देखेंगे क्या कर सकते हैं तो इसको अगर हम लोग इस तरह लिखेंगे थ्री इन टू थ्री की पावर थ्री थर्टी थ्री और ये इसको हम लोग एज इट इज़ ही रहने देंगे तो ये आपका आ जाएगा कॉमन ये आपका अलग बच जाएगा ये कॉमन आ जाएगा तो कॉमन फैक्टर आपका क्या बचा ये और प्लस वन में तो हम जो पावर लगाना चाहे लगा सकते हैं तो ये आपका कॉमन फैक्टर आ गया तो थ्री की पावर थ्री की पावर थ्री थर्टी थ्री प्लस वन इज योर आंसर या आपको क्या है ये आपका एस सी एफ है नोट डाउन कर लीजिए इसको ठीक है तो होपफुली आपको थोड़ा समझ आया होगा कि अगर हाईएस्ट पावर होती है तो हम लोगों को बेसिकली अपने फार्मूलाज यूज करने हैं कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन है या जो भी नंबर्स हैं उनमें हम लोग किस तरह से क्या फैक्टर्स निकाल सकते हैं हमें बस ये देखना है कि कॉमन फैक्टर हम लोग किस तरह से उसको छोटा कर सकते हैं किस तरह से कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं नहीं तो जो भी पावर दी है उसका एस सी एफ निकाल दीजिए आपको कॉमन फैक्टर मिल जाएगा वही पावर आपकी हाइएस्ट कॉमन फैक्टर आपका आ जाएगा बस आपको ये ध्यान रखना है कि प्लस में इवन अगर पावर इवन है तो कोई फैक्टर ही नहीं होता है ऑड है तो एक फैक्टर होता है माइनस है तो कितने फैक्टर होते हैं ये सब आपको याद रखना पड़ेगा तो आज के लिए इतना ही होपफुली आपको समझ आया हो कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको पूछिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग इसका बेनिफिट ले सकें बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए थैंक यू फ्रेंड्स